हाँ वो लग रहा है इनसिक्योर है, लेकिन ऐसे लोगों को दिख रहा है, वो अंदर से ऐसा लग रहा है उसको कि मैं नहीं हूँ, लेकिन लोगों को दिख रहा है कि वो इनसिक्योर हो रही है। बट बुली भी कर रही है वो आयशा को। अभी दो तीन दिन से मैं नहीं देख रही हूँ, शायद अभी ऐसा मैंने एपिसोड देखे थोड़ा थोड़ा, उसमें लग रहा है कि वो ऐसा कर रही है। अभी मुनव्वर राणा के वो कौन है आई है, गर्लफ्रेंड है, कौन है आई है, उसको थोड़ा मतलब देखने में मजा आया। उसने जो भी बोला सही बोला उसको। अब कहीं ना कहीं सही बोलने के बाद वो अब मुनव्वर के साथ रिलेशनशिप में जा रही है, कपड़े पहन रही है, उनका पहना रही है, वाइट शर्ट पहन रही है, तो क्या लगता है कि मन्नारा के साथ ही, नाज़िला के साथ ही और यहां आयशा के साथ भी? ये गलत कर रहा है ना, चीटिंग कर रहा है। नहीं गलत है, एक के साथ एक के साथ रहना चाहिए उसको। हाँ या वो बहुत लाइक मतलब जब एंट्री ले रही थी तब उसने बहुत कुछ ऐसा बोला था, ये करूँगी वो करूँगी, ये मतलब इसका पोल खोल दूंगी, वो कुछ भी हुआ नहीं, आके वो भीगी बिल्ली की तरह बैठ गई। सो आई डोंट थिंक नहीं। मगर वो दोनों तो क्लोज फ्रेंड है, उसमें जेलसी की कोई बात ही नहीं। हाँ अगर वो लाइक करती है तो अलग बात, मुनव्वर की तरफ से तो शुरू से ही है कि वो नहीं उसको कुछ भी। देखिए एक लड़का ही लड़की को फीलिंग दे रहा है ना कि भाई अगर आप बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड हो तो होता ना कभी भी जेलसी फील होती है। हाँ वो होती है, होती होगी फ्रेंड में भी जेलसी होती है, मगर समझना चाहिए ना उनकी लाइफ है पर्सनल, दोस्त तो वो दे ही रहा। देखो सॉरी भी बोलने गया था, वो गलती करता है तो जाता भी है, ऐसा नहीं कि वो इग्नोर करता है। मगर हाँ वो मुनव्वर मेरे को पसंद है, बस होता है स्ट्रेस लेवल जब वो देखते हैं कि हस्बैंड कहीं और सपोर्ट कर रहा है किसी और को, और उसकी वाइफ को जब ज़रूरत है वो वहाँ पे स्टैंड नहीं दे पा रहा, तो होती है वाइफ को चिड़चिड़ उस टाइम पे। और देखा गया कि बहुत ज़्यादा विक्की जैन गुस्से में अंकिता को हाथ उठाने की भी, वो सही तरीका नहीं था जो कि उन्होंने वहाँ पे शो किया। वो अपनी पर्सनल लाइफ है उसकी। हाँ मुझे लगता है कि ये बिग बॉस में जो पर्सनल लाइफ डाल रहे हैं, जैसे ईशा का डाला, तो फिर ये सही नहीं था। मतलब बिग बॉस एक गेम है, सब गेम खेलने आए, सब पर्सनल चीज़ें ला के उनको मैनिपुलेट करना टीआरपी के लिए, वो सही नहीं था। नेशनल टेलीविजन पर ही नहीं, बट अगर वो घर पर भी ये है तो हाथ उठाना बहुत गलत बात है। कभी भी किसी लेडी पर या अपनी बीवी पर हाथ उठाना बहुत गलत बात है, और जो उसने किया नेशनल टेलीविजन पर उसकी छवि पर बहुत सारा असर पड़ेगा, चाहे घर के अंदर भी चाहे घर के बाहर भी। नहीं मुझे नहीं लगता है वो ऐसा करेगी, क्योंकि उसका एक बार ऑलरेडी दिल टूट चुका है, वो दोबारा अपना दिल तोड़ के फिर किसी तीसरे के साथ, आई मीन इट्स नॉट प्रैक्टिकल। आयशा तो ऐसे लग रहा है गेम प्लान करके आई है बिग बॉस में, और आते पर अभी दो दोस्तों को उसने अलग कर दिया। ईशा कैसी लग रही है? ईशा भी बहुत अच्छा खेल रही है। समर्थ तो माय गॉड बहुत फनी लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है समर्थ को देखने। यस वो ट्रोलिंग, क्योंकि उसका कुछ टाइम बिहेवियर ऐसा लगता है कि वो काफ़ी अनॉइंग हो जाती है, बट जो उसके व्यूज़ हैं, जो उसके थॉट्स हैं, और जिस तरीके से वो डीबगिंग कर रही है हर एक के कैरेक्टर को, वो माइंड ब्लोइंग है। मन्नारा को फीलिंग्स नहीं बोल सकते, अगर वो ऐसे अगर क्लोज रहेंगे तो फीलिंग्स बोलते ही है, बट वो फीलिंग्स नहीं है, ये झगड़ा है उनके बीच में वो आयशा का एंट्री होने के बाद से, बट वो भी सॉर्ट हो जाएगा। व्हेन आयशा केम इनटू द हाउस एंड यस्टरडेज एपिसोड व्हेन शी वाज जस्ट सो जेलस पोकिंग देम कंटिन्यूसली, बट मुनव्वर इज ट्राइंग टू कंट्रोल की आई विल नॉट टेल, बट हाउ मच ही विल कंट्रोल ना, ही हैव टू टेल समथिंग टू हर, and she is jealous. We can clearly see that she is very eagerly wanting to talk to him, but now he has maintained a distance with her. और अंकिता लोखंडे की बात करें, अंकिता लोखंडे विक्की जैन के बीच हमेशा कुछ ना कुछ अनबन होती रहती है। हस्बैंड वाइफ अच्छे नहीं है, हस्बैंड वाइफ अच्छे नहीं है आपको लगता? लड़ते झगड़ते रहते हैं तो औरों से क्या बनाएंगे वो, खुद ही इतना लड़ रहे हैं। सब गेम प्लान है, सब गेम है इनका, ये अंदर खेल रहे हैं ऐसे, बाहर जाके सब मिल जाएंगे आपस में ऐसे, ये गेम है, ये कहते हैं ना सिंपैथी गेन कर रहे हैं ये। रूबीना अभिनव नहीं लड़ते थे और बाहर कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं।